सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर से वाइकिंग राइस के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोगों के ना, मतलब मैंने जो कमेंट्स देखे हैं भाई, चैप्टर नंबर 26 पे ही थे वो लोग, और बोल रहे थे भाई हमें जो चैप्टर नंबर 26 है वो बताओ वो कैसे कंप्लीट होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो यार, चैप्टर नंबर 26 के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 27 पे हूँ, ठीक है। और भाई ये ठीक है, ड्रॉप्स देखो, ड्रॉप्स वगैरह हमको ना इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्रॉप्स है तो आप लोग ईजिली मतलब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इजीली डिफीट कर सकते हो, और उससे ड्रॉप से भी सबसे बड़ी बात है, खैर ड्रॉप्स तो हमारा चल जाता है, बट आप ट्राइब ज्वाइन कर रहे होने चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी एक की ट्राइब में होने चाहिए, जैसे कि अभी मैं किसी और की ट्राइब में हूँ, क्योंकि पिछले बार वालों ने मेरे को निकाल दिया था, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था 4-5 दिन। मैंने उनको मैसेज भी किया तो वो नहीं माने, बट भाई उन्होंने मेरे को निकाला, तो अभी जो मेरी जो ट्राइब है ना सेकेंड नंबर पर है, और वो वाली जो ट्राइब थी ना K68, वो थर्ड नंबर पर थी। मतलब मैं K68 जो है ना, K68 फार्मर्स, इस वाली ट्राइब में था, अभी मैं आ गया यूनाइटेड पीपल के अंदर, ठीक है, मतलब सेकेंड नंबर पर, तो अच्छा ही हुआ। खैर अभी मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपको ना ट्राइब ज्वाइन करनी होगी। ट्राइब कैसे ज्वाइन कर पाते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, काफ़ी लोगों को वो नहीं पता होता है। आपका ये जो बैटल हॉल है ना, बैटल हॉल, ये आई थिंक जहाँ तक कि मेरे को याद है 8 या फिर 9 लेवल ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा, मतलब 8 या अपग्रेड होना चाहिए। जैसे मेरा अभी 16 लेवल का है ना, तो आपका या तो 6, 8 या 9 या 10 ऐसा कुछ अप्रोक्स में आएगा, मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मेरे को याद है कि 8 लेवल तक का ही अपग्रेड होना चाहिए, तब आप ट्राइब ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो, ये मैं चीज़ें अपग्रेड तो कर नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास अभी रिसोर्सेज काफ़ी कम है, उन लोगों ने मेरे को निकाल दिया था, तो मेरे को ट्राइब की ओर से रिसोर्सेज भी नहीं मिले। खैर ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो चैप्टर नंबर 26 कैसे कंप्लीट करते हो। खैर मेरा फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, न्यूफ्लिंग्स लीडर्स वाला, तो अभी मैं चैप्टर नंबर 27 पे आ चुका हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, आपको देखो सिंपल से इसको छोटा कर लेना है। फिलहाल सबसे पहले तो ना आप ड्रॉप्स देखो अपने, ठीक है, ड्रॉप्स वगैरह आप अकेले भी फाइट ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जैसे कि कोई आपका साथ ना दे तो आपको ड्रॉप्स देखने अपने। फिलहाल देखो मेरे पास T3 के ये ड्रॉप्स हैं, ओके, मेरे पास ये टी, ये देखो ये नंबर देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब होता है 1 का मतलब T1, 2 का मतलब T2, 3 का मतलब T3 और 4 का मतलब T4। मैंने ये रिसर्च कर लिया, बाकी मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसे रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, ये मैं आपको अगली बार एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई नेटवर्क का क्या सीन है गाइस, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है थोड़ा लेग करे। अभी देखो आपको करना क्या है, वहाँ से तो आपने मतलब एक एक देखोगे, तो इससे अच्छा ना आपको यहाँ आना है स्क्वाड बेस पे, ठीक है, स्क्वाड बेस पे जो आर्मी है ना, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, आपको टोटल ड्रॉप्स कितना है, मतलब T1 के कितने ड्रॉप्स है, T2 के कितने हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो यहाँ मेरे को दिख रहा है ना, T5 के मेरे पास सिर्फ 2500 ड्रॉप्स है, मतलब इस तरीके से आपको दिख जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ओके, ये देखो मेरे पास T4 के भी ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े बहुत ही है, ये देखो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ देख लेनी है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमको देखना है कि भाई, अब बोलो कि भाई हम फाइट कैसे लेंगे, मतलब कैसे न्यूफ्लिंग्स लीडर्स को डिफीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, नॉर्मली करते क्या है, बंदे लोग जो यहाँ पे रहता है ना वहीं पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है, जो न्यूफ्लिंग्स लीडर्स का यहाँ पे दिखाता है, तो सोचते हैं कि भाई, और वो ना आसपास के न्यूफ्लिंग्स लीडर्स पे पहुँचा देता है, जैसे कि ये न्यूफ्लिंग्स लीडर्स है, ठीक है, मेरे जो ट्राइब है ना, मतलब ट्राइब क्या ये किंगडम है, उसके पास यही पड़ता है, तो मुझे इसी के पास पहुंचा देगा। अब तुम लोग इसके अंदर देखो, तुम लोग बोलोगे भाई ये क्या है, T5 के ड्रॉप से, भाई लिटरली T5 के ड्रॉप से कितने हैं, 10 लाख है अप्रॉक्स, ठीक है, ये ड्रॉप्स इसके 10 लाख है। अगर 10 लाख ड्रॉप्स है, बट आपके पास 10 लाख ड्रॉप्स किसी भी हालत में नहीं होंगे, यहाँ तक कि आप रैली निकाल लोगे ना उसमें भी नहीं होंगे। तो देखो आपको करना क्या है, ये 11 लेवल का है, देखो 11 है, ये 10 का है, इसके पास थोड़े कम होंगे, देखो 9.5 लाख है इसके पास T5 के ड्रॉप्स, इसके पास ये कितना 12 लेवल का, ये 11 का था, तो इसमें 50,000 ड्रॉप्स ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको बिल्कुल ऐसे ना जितना ये मिनिमाइज़ हो उतना कर लेना है, ठीक है, इतना मिनिमाइज़ हो गया। अब आपको जाना है डायरेक्टली इधर कोने में, ठीक है, क्योंकि मेनली क्या होता है ना, जो ट्राइब वाले बंदे होते हैं ना, और भी जो अपने बंदे होते हैं किंगडम वाले, उनको भी ये मिशंस करने होते हैं, तो वो लोग पहले ही सल्टा देते हैं T1 के ड्रॉप्स, मतलब जो न्यूफ्लिंग्स होते हैं। तो अब तुमको ना इधर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अब करोगे कैसे, इधर कोने में चले जाना, इधर चले जाना, किधर भी चले जाना भाई, तुम्हारा जिधर मन करे ना कि भाई लास्ट छोर पर चले जाना, बट जाना उस जगह जहाँ पर बंदे लोग कम हो, ठीक है, जैसे कि इधर बंदे हैं, ठीक है, ये देखो इधर की साइड बहुत कम है, मतलब इधर कम होंगे बंदे बट कम आए होंगे, ये देखो इधर बहुत कम है ना ट्राइब्स वगैरह, मतलब इतनी भरी हुई नहीं है, तो आपको इधर नॉर्मली जूम वापस करना है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार जूम करते हैं, यहाँ पे भी भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा कन्फर्म मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 9 का आ गया, ये जो फ्लैग फ्लैग है ना इनको देखना है, यहाँ पे जो भी 1, 2 आपको दिखे ना वहाँ पे चले जाना है,
तो फिलहाल तो ना अभी मिल नहीं रहा है मेरे को। ये देखो अभी इधर देखो 6 का मिला ना, ये न्यूफ्लिंग्स लीडर, ठीक है लेवल 6 का। इसी तरीके से आपको लेवल 1 के भी ढूंढने हैं, मतलब लेवल 1 के बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, उनको आप चुटकियों में हरा सकते हो। एक सेकेंड, ये देखो मेरे को मिल गया, कहाँ गया, हाँ ये देखो मिल गए, दो मिल गए। एक तो ये देखो, ये रहा लेवल 2 का। अब इस पे देखो T3 के ट्रॉप्स बता रहा है कितने, 285,000, ठीक है 285,000 ज़्यादा नहीं होते। अगर आप लोग रैली निकालोगे ना तो आराम से 3-4 हज़ार बंदे लोग आपसे, मतलब 3-4 लाख बंदे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और 3-4 लाख भी ना जुड़े ना, अगर आपके पास मुश्किल से 1.5 लाख बंदे भी जुड़ गए ना, तो आपके ट्राइब में कोई तो बंदे ऐसे होंगे जिनके पास T4 और T5 के ट्रॉप्स होंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ T3 है, T3 मतलब लोअर है भाई। अगर किसी के पास T4 या T5 के बंदे हो गए ना, तो भाई वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, समझ रहे हो। आप लोग रैली निकालो, रैली पे अभी मेरे सारे जो बंदे लोग हैं भाई मजदूरी करने गए हुए हैं, तो आप जैसे ही रैली पे क्लिक करोगे ना, उस पर आप लगभग लगभग 10 मिनट का टाइम लेना, क्योंकि आपके आसपास बंदे होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो जैसे कि एक मैंने ये ढूंढ लिया, एक मैंने ये ढूंढ लिया, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। सबसे बड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग ना पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फिर बोलते हो भाई हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देख लेना, हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका ये जो किंगडम है ना, किंगडम, ठीक है, आपके जो ये जो बंदे लोग होते हैं ना, जैसे कि ये देखो मेरी ट्राइब्स के अंदर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये जितने भी किंगडम है मतलब मेरी ट्राइब के बंदे लोग हैं ये। अगर मैं रैली निकालूंगा तो ये लोग मेरे को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूँ समझ लो कि आप अकेले ही कोई दूसरी अलग ही दुनिया के अंदर रह रहे हो, तो आपको वहाँ से सबसे पहले ना अपना जो किंगडम है भाई इन लोगों के बीच में लाना होगा, ठीक है, ताकि ये लोग आपको तुरंत हेल्प कर सके। ऐसा नहीं कि भाई आप 10 मिनट का रैली रखोगे, वो आपको ज्वाइन ही नहीं कर पाए और आप लोग निकल गए फाइट करने, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एक एक दो दो घंटे भी लग जाते हैं रैली में। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद निकाला है रैली, मतलब ये जो होता है ना न्यूफ्लिंग्स वाला रैली, मैंने भाई 1-1.5 घंटे भाई मैंने इस कोने से स्टार्ट किया था, इस कोने से, फिलहाल तो ये दूसरी ट्राइब है, हम लोग किसी और की ट्राइब में थे, इधर किधर ही था, तो हमने इस कोने से इधर से ट्राई किया था, सॉरी ज़्यादा दूर हो गया, शायद से इधर से किधर से ट्राई किया था, यहाँ से यूँ मान लो सेंटर से हमने ट्राई किया था, और पूरा इधर मैं कोने पे लेके गया था पूरा, मतलब 1.5 घंटा लिया था ये लगभग लगभग, समझ रहे हो आप लोग। तो ऐसे टाइम तो लगेगा और बंदे लोग इजीली आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑटो रैली होती है ना, तो आ जाते हैं अपने आप बंदे आ जाते हैं, बस आपके ट्राइब में बंदे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके ट्राइब में बंदे ना हो, ठीक है। अगर मैं बता देता अभी, क्योंकि मेरा वो चैप्टर क्लियर हो गया, अगर आपको क्लियरिटी जानना है तो जो अपना ट्यूटोरियल्स वाला वीडियोज़ है, मतलब प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है, उसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैंने उस टाइम पे चैप्टर जब क्लियर किया था तो वही मैंने वो वीडियो बना के डाला था, ठीक है। और अभी मैं और जो अपनी सेकंड वाली आईडी है उसमें क्लियर करूंगा तो एक और बार डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका एक किंगडम है ना, ये भाई इन लोगों के बीच में रहना चाहिए, ताकि आपको तुरंत ज्वाइन कर सके, ठीक है। आपको ज्वाइन कर लेंगे ना, आपके किंगडम में आ जाएंगे, फिर आप लोग साथ निकल जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है। एक बार आपके मतलब किंगडम में वो लोग घुस गए ना, आपको ज्वाइन कर लिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से कर लेना, आपका चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल फ्री होता है यार, उसको दबा के जाया करो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।